हेलो फ्रेंड्स, टेक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टेटरी और टैक्सेशन रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं किसी भी एंटिटी को या किसी इंडिविजुअल को। तो रिसर्च और डेवलपमेंट का इंडिया से बहुत बड़ा इतिहास है। प्री इंडिपेंडेंस से ही इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया था, इसीलिए अब जाके इंडिया को एज अ चॉइस लोकेशन माना जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बहुत सारे टैक्स रिबेट्स दे रखे हैं, जिसकी वजह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली एंटिटीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत सारी एंटिटीज़ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जुड़ी हुई हैं लेकिन वो टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाती या नहीं लेती जानबूझ के, कि मतलब इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको, और वो बिना उसके ITR फाइल करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता रहता है। तो ये वीडियो का पर्पज़ यही है कि जितनी भी ये सारी एंटिटीज़ हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो सके और वो टैक्स बेनिफिट ले सकें। तो मैं इसको तीन सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला पर्टिकुलर, उसके बाद डिटेल, सबसे पहला बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो और आपका डिडक्शन कैसे कैसे होता है। सबसे पहला इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, कोई भी ऐसी एंटिटी है जो अपने विद इन प्रेमिसेस कोई भी ऐसी एंटिटी जो अपने प्रमाइसिस के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, ताकि उसका अपना बिजनेस ग्रो हो पाए, तो वो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आती है। इसके ऊपर है 100% एग्जम्पशन, मतलब जितना भी आप एक्सपेंडिचर करोगे इस पर, उस पर 100% एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप वो क्लेम कर पाओगे टैक्स भरते वक्त। ये इन हाउस में दो तरीके के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, एक रिवेन्यू, एक कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे हो जाते हैं जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदने में काम आते हैं, जैसे कि आपका कोई मशीन हो गया जिसकी वजह से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्सपेंसेस आप उसमें यूज़ कर रहे हो ताकि आपका वो मदद कर रहा है R&D में, तो दोनों एक्सपेंडिचर्स पे टैक्स रिबेट मिलता है। लेकिन कैपिटल में बस लैंड वाले एक्सपेंडिचर पे रिबेट नहीं मिल सकता, बाकी सब चीज़ों पे मिलता है इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट में। और ये रिलेटेड टू ओन बिजनेस होना ही चाहिए, कि आपका कंपनी ऑब्जेक्ट होना चाहिए R&D का, ओन बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा होगा कि इन हाउस R&D कर रहे हैं लेकिन प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा बिजनेस अभी तक चालू नहीं हुआ लेकिन उसी के लिए हम R&D कर रहे हैं अभी भी। इसमें भी दोनों रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जो भी कर रहे होंगे पहले सबसे पहले ओन बिजनेस होना चाहिए और प्रीसीडिंग 3 years, मतलब बिजनेस कमेंस करने से 3 साल पहले तक के जितनी भी एक्सपेंडिचर आपने करे हैं, चाहे वो रेवेन्यू में हो या कैपिटल में हो, उस पर आपको 100% टैक्स रिडक्शन मिलेगी जब आपका कमेंसमेंट जब आपने कमेंसमेंट कर लिया उसके बाद से। ठीक है, सेम चीज़ ही है, बस ये प्री कमेंसमेंट है और ये ओन बिजनेस होना ही चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड हो गया एक्सपेंडिचर जो भी हमने करा है किसी भी अप्रूव्ड
कोई भी हमने एक्सपेंसेस करा है, पैसा दिया है R&D के पर्पसेस से किसी भी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एंटिटी को, इसमें कोई भी आ सकता है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी या कोई भी एंटिटी ऐसी है जिसने एक्सपेंडिचर करा है किसी अदर। किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को दिया गया जो अप्रूव्ड है R&D के पर्पसेस से, तो तीनों चीज़ें पॉइंट होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, अप्रूव्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है, जिसको वो पैसा दे रहे हैं और R&D के पर्पसेस से ही देने चाहिए, ठीक है, तो फिर उसमें भी आपको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 के बाद से ये लॉ शुरू हुआ है, तो उसके बाद से अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर करें तो उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। तीनों पॉइंट ज़रूरी होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसोसिएशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। थर्ड पॉइंट में जो मैंने कंपनी बताई थी वो भी रजिस्टर्ड इन इंडिया होनी चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात हो जाती है इसलिए। तो अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं किसी भी एसोसिएशन को या कॉलेजेस को, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है, उस पर कैसे कैसे एग्जम्पशन मिलता है, तो उसके अंदर ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो मैं पहला बताता हूँ आपको कि पहला हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं R&D पर्पसेस के लिए किसी साइंटिफिक एंड रिसर्च एसोसिएशन को, इसमें कोई भी हमने एक्सपेंसेस करे हैं एसोसिएशन वाले केस में, तो उस पर हमको पहले 150% तक टैक्स एग्जम्पशन मिलता था, ये 18-19 से लेके 20-21 तक का मिलता था असेसमेंट ईयर, अब लेकिन 20-21 का असेसमेंट ईयर चला गया है, तो अब से 100% मिलेगा टैक्स एग्जम्पशन एसोसिएशन के केस में। सेकंड पॉइंट, अप्रूव्ड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अगर इनको एक्सपेंडिचर करा जा रहा है R&D पर्पसेस के लिए, कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस पर भी जैसे सेम ऊपर वाला केस था वैसा ही, जैसे 150% तक मिलता था 18-19 से लेके 20-21 तक पहले, लेकिन अब 20-21 का ख़त्म हो चुका है, तो 100% मिलेगा अब फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक है, सेम वही केस है इसके अंदर भी, अप्रूव्ड कॉलेजेस के केस में भी पहले आपको 150 मिलता था लेकिन अब सिर्फ 100% मिलेगा। थर्ड केस, जैसे हमने ऊपर अप्रूव्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को करा था, सेम यहाँ पे भी होगा थर्ड केस में भी, लेकिन एक चीज़ है बस अलग, ये जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए ये होना चाहिए सोशल एंड स्टैटिस्टिकल सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर आप खर्चा कर रहे हो अप्रूव्ड कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो एक्सपेंडिचर आपका 100% अलाउड है। बस इसमें यही फ़र्क है, यहाँ पे नॉर्मल साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए था और यहाँ पे सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्चेस के लिए था, और ये पूरा केस जो है आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस से हो रिलेटेड और रिलेटेड बिजनेस। पहले वाले दो केस जो थे वो ज़रूरी थे कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, लेकिन अब जो ये वाला केस था और इससे पिछला वाला केस था, जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो उसमें वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आप बिना बिजनेस से रिलेटेड भी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो और फिर भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। आपको मेरी राइटिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका प्रिंट आउट आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि
मेमोराइज हो पाए कि करना क्या है आपको, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर हमने करा है जो नेशनल लेबोरेटरीज को, जितने भी नेशनल लैब्स होते हैं उसको अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, इसमें आपका आईआईटी भी आ जाता है, जितने भी नेशनल लैब्स हैं वो सारे आ जाते हैं, क्योंकि आईआईटी के अंदर जो बच्चे होते हैं वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं डिग्री हासिल करने के लिए। इस सब में जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो आपका पहले केस में 150% था असेसमेंट ईयर 18-19 से लेके 20-21 तक, लेकिन अब वो 100% हो गया है 20-21 ऑनवर्ड्स। वो सेम चीज़ ही है साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी आप पैसा खर्चा कर रहे हो इनको, और इसमें भी सेम रिलेटेड एंड अनरिलेटेड बोथ टू योर बिजनेस। अगला पॉइंट इन हाउस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अगर अपन तो क्या होगा। इन हाउस एक्सपेंडिचर मैंने जो पहले वाला केस बताया था इससे थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप इन हाउस एक्सपेंडिचर कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब मेडिकल से रिलेटेड लेकिन टेक्नोलॉजी में, अगर उस पर आप एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हो इन हाउस एक्सपेंडिचर, मतलब आपका बिजनेस पर्पस यही है, आपका काम यही है और आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो और क्या और साथ ही साथ में या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ऐसे कोई गुड्स, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उन दोनों केसेस में आपको एग्जम्पशन मिलेगी। सेम इसी की तरह पहले 150% मिलती थी 2021 तक, उसके बाद से 100% हो गई है 2021 के ऑनवर्ड्स, तो ये इसलिए पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। पहले वाले में आपका साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस होना चाहिए, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होना चाहिए, और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स भी आर्टिकल आप भी कोई कर रहे हो तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इतने ही टैक्स रिबेट्स थे आपके, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि अप्रूव्ड एंटिटी कैसे बने, मतलब अगर आप एंटिटी हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं भरने, क्योंकि ऐसे ही आपको अप्रूव्ड एंटिटी नहीं बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको फॉर्म भरने होंगे और गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ जो होती हैं वो इंडिया में अपना फॉर्म खोलती हैं, मतलब ब्रांच खोलती हैं, इसकी मदद से वो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके और एक्सपेंडिचर भी कम लगे, लेकिन उनको ये टैक्स रिबेट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए वीडियो थी। अब वो टैक्स रिबेट्स देख के अब वो अप्रूव्ड एंटिटी कैसे बने उसके लिए कौन कौन से फॉर्म होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला फॉर्म 3CF1, अगर आपको साइंटिफिक एंड रिसर्च एसोसिएशन अगर आप हो, एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्म 3CF2, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं अगर उनको अप्रूव्ड एंटिटी बनना है ताकि वो ये सारा एक्सपेंसेस, मतलब ये सारे डोनेशंस ले सकें, डोनेशंस तो नहीं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो लोग, तो अप्रूव्ड होने के लिए उनको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा 3CF2, ताकि वो अप्रूव्ड एंटिटी माना जाए और एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकें। उसके बाद फॉर्म 3CF3, अगर आप इंडियन में रजिस्टर्ड एंटिटी हो
अगर आप इंडिया रजिस्टर्ड एंटिटी हो और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है साइंटिफिक, अगर आप इंडियन रजिस्टर्ड एंटिटी हो और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको फॉर्म 3CF3 बनना पड़ेगा ताकि एक अप्रूव एंटिटी बन सको आप, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपेंडिचर जो है वो क्लेम कर पाओगे। उसके बाद अगला फॉर्म फॉर्म 3CG, ये वाला फॉर्म है आपको जो मैंने ऊपर बताया था कि नेशनल लेबोरेटरीज जो हैं उनके लिए, ठीक है, और IITs के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, उनको अगर अप्रूव्ड एंटिटी बनना है तो उनको फॉर्म 3CG फाइल करना होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएंगे। तो ये सब बेसिक फॉर्म्स थे जिसकी वजह से आप बन पाओगे, क्लेम कर पाओगे एक्सपेंडिचर्स। इन सारे फॉर्म्स की मदद से आप जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म अप्रूवल ज़रूरी है। जितनी भी फॉरेन एंटिटीज़ हैं जो इंडिया में अब इंडियन रजिस्टर्ड एंटिटी के नाम से काम कर रही हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जितने भी एग्जम्पशन हैं वो क्लेम कर लें अपने इंडियन रजिस्टर्ड एंटिटी के बेसिस पे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वो बताते हैं आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वो क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। अगर आपको एग्जम्पशन से रिलेटेड कुछ भी करवाना हो तो हम यहाँ पे हैं, टेक्सास पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हम आपकी सारी मदद करेंगे, ठीक है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।